Good morning and assalamu alaikum students. I'm your teacher, Miss Anna Maria, and hope you all are fine by the grace of God. Today is 28 April and the day is Wednesday. Now we start our class. First of all, I'm going to share the screen with you. Second term syllabus. We have 5 chapters. Chapter number 9, A Big City Snapshot. Chapter number 11, Understanding Viruses. Chapter number 13, From Newspaper to Smartphone. Chapter number 16, Staying Calm Before the Storm. Chapter number 18, Kamala's Journey. We have done these chapters, but chapter number 18, हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो रहती हैं, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स वी हैव डन इन क्लास. क्लास में हम ये काम कर चुके हैं. इसकी कुछ एक तो एक्सरसाइजेज रहती हैं जिसमें हमारे पास ब्लैंक्स हैं और ट्रू एंड फॉल्स हैं, तो इसकी वजह से हम थोड़ा सा इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, चैप्टर नंबर 18, कैमलास जर्नी. फर्स्ट ऑफ ऑल गेट रेडी वर्ड्स हैं हमारे पास. गेट रेडी वर्ड्स में क्या है हमारे पास? पैरट फिश, सी हॉर्स, मेंटा रे, सी टर्टल, मैरीन पार्क, स्नॉकर, स्पीड बोट, बॉर्डर, पटिशन, लॉ, एस्टोनिश. पैरट फिश. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पैरट फिश? पैरट फिश क्या है? ये जो है अभी हम जितने भी हमने ये देखे नेम्स जो देखे हैं ये सब क्या है? हमारे पास मैरीन लाइफ है, मतलब ओशन के अंदर, समंदर के अंदर जो हमारे पास एनिमल्स हैं उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब जो पैरट फिश है, पैरट फिश क्या है? पैरट फिश इज़ अ ग्रुप ऑफ अबाउट 19 फिशेज स्पाइसेस रिगार्डिंग एज अ फैमिली. अब क्या है ये 19 टाइप्स की फिशेज है, पैरट फिश है. पैरट फिश जो है वो कलरफुल होती है. पैरट फिश आर कलरफुल एंड ट्रॉपिकल क्रिएचर डेट स्पेंड अबाउट 90% ऑफ देयर डे बाई ईटिंग. ठीक है, ये और ये क्या है, ये कलरफुल होती है. हमारे पास सी फिश है ये. ठीक है, और नाउ कम पैरट फिश. ठीक है, ये हमारे पास फिश की टाइप ही है. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सी हॉर्स. अब देखें सी हॉर्स क्या है. ठीक है, सी हॉर्स इज़ अ टाइनी फिश. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक टाइनी फिश है, स्मॉल फिश. सी हॉर्स आर फिश, दे लिव इन वाटर, breathe through gills and have a swim bladder. They have a long snake-like tail. अब इसकी tail देखें कैसी long tail है, snake की तरह की. They have a neck and a snout that point down. ठीक है, आप इसकी neck देखेंगे किस तरह को उसकी neck जो है वो down हो रही है. ठीक है, अब ये जो है ये हमारे पास जो है सी हॉर्स जो है इट्स अ टाइप ऑफ फिश. ये क्या है? ये फिश की कैटेगरी में आता है, फिश की टाइप है. दे आर एटलीस्ट 25 स्पीशीज ऑफ द सी हॉर्स. सी हॉर्स की कितने स्पीशीज हैं? 25 स्पीशीज. मीन्स इसकी 25 जो है वो इसकी टाइप्स हैं. इसका कॉमन नेम क्या है? सी हॉर्स है. साइंटिफिक नेम है हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस इसका साइंटिफिक नेम है. और सी हॉर्स जो है वो किस तरह की डाइट जो है वो लेता है? सी हॉर्स जो है वो कार्निवोर्स होता है. कार्निवोर्स मीन जो मीट खाते हैं उन एनिमल्स को कार्निवोर्स कहा जाता है. और इसका एवरेज लाइफ स्पैन क्या है? एवरेज लाइफ स्पैन मीन्स के कितना इसका लाइफ जो है वो कितनी ये जो है अपनी लाइफ जो है वो ज़िंदा रह सकता है. क्या इसका एवरेज है, लाइफ एवरेज क्या है? इसका जो लाइफ एवरेज स्पैन है वो है 5 ईयर्स. ठीक है, 5 ईयर्स है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मेंटा रे. अब मेंटा रे जो है, अब आप मेंटा रे को देखें कि इसकी आगे से जो है वो 2 जो है वो हॉर्न्स टाइप बने हुए हैं. हॉर्न स्पिन जो हमारे पास जो हॉर्न स्पिन सिंग्स को कहा जाता है हॉर्न्स, तो उसके हॉर्न्स टाइप बने हुए हैं. ठीक है, मेंटा रे है ये. मेंटा रे जो है ये हमारे पास किस में आता है? ये हमारे पास जो उसकी जो कैटेगरी है वो भी ये फिश की है. ये फिश की कैटेगरी में आता है. इसका कॉमन रे मेंटा रे, कॉमन नेम जो है वो मेंटा रे है. और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो मेंटा है.
ठीक है, और इसकी जो एवरेज है वो कितनी टाइम, ये अपनी एवरेज जो है वो इसका एवरेज लाइफ स्पैन है वो 50 इयर्स का है, कितना है 50 इयर्स का है। और इसका साइज कितना होता है, 29 फीट लॉन्ग होता है, 29 फीट इसका जो साइज होता है लॉन्ग। मेंटा रे जो है वो, मेंटा रे हैव टू ऑन शेप्स फिन्स प्रोड्यूसिंग फ्रॉम फ्रंट ऑफ देयर हेड। अब ये देख रहे हैं इसका जो हेड देख रहे हैं, इट्स इसके जो टू ऑन्स बने हुए हैं, ठीक है। और इसको जो है वो एक, इसको इसका निक नेम भी, इसको डाई फिश भी कहा जाता है, इसको डाई फिश भी कहा जाता है। अब ये सी टर्टल, अब सी टर्टल क्या होता है, सी टर्टल लिव इन ऑलमोस्ट एवरी ओशन। ये सी टर्टल जो है वो एवरी ओशन में पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर होता है, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम क्या है, सी टर्टल है इसका कॉमन नेम, ठीक है। अब इसकी डाइट क्या है, किस तरह की ये चीज़ें खाता है, क्या क्या इसकी ईटिंग है, इसकी ईटिंग में है ये ओमनिवोर्स एनिमल है, ठीक है। मीन्स प्लांट और प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, प्लांट्स खाते हैं जो एनिमल्स, वो है ये ओमनिवोर्स। और जो इसका साइज जो है वो 2 feet to 7 feet लॉन्ग, 7 feet तक इसका साइज होता है, 7 feet लॉन्ग। और इसका वेट कितना होता है, 70 pounds to 150 pounds से स्टार्ट होता है, 70 से लेके इसका जो साइज है वो 150 pounds तक होता है, ठीक है। अब मैरीन पार्क, व्हाट इज मैरीन पार्क, मैरीन पार्क क्या होता है। अ मैरीन पार्क इज अ टाइप ऑफ मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया। अब क्या है ये, मैरीन पार्क इज अ टाइप ऑफ मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया। मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया मीन्स वो एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखा जाता है, उनको उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो जो मैरीन पार्क जो होता है, जो एरिया होता है जिस एरिया में ये मैरीन पार्क आ रहा होता है, गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वहाँ पे कॉमन पीपल जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते, वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं वहाँ पे। अब स्नॉर्कल्स क्या होते हैं, स्नॉर्कल शॉर्ट, ये देख रहे हैं आप फेस पे, ये क्या है, ये एक ट्यूब टाइप है, ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट ट्यूब है। अ शॉर्ट ट्यूब फॉर अ स्विमर टू ब्रीथ थ्रू वाइल कीपिंग देयर फेस अंडर वाटर। जब पानी के अंदर होते हैं, स्विमिंग करते हैं, ये स्विमर्स के लिए होता है कि वो पानी के अंदर जो है वो ईजिली ब्रीथ कर सके, ईजिली जो है वो सांस ले सके। नाउ स्पीड बोट, अब स्पीड बोट क्या होता है, स्पीड बोट जो है वो इट्स अ स्मॉल बोट विद अ पावरफुल इंजन। अब ये होती तो बहुत स्मॉल है, लेकिन क्या है, इसके अंदर जो इंजन होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, दैट ट्रैवलिंग फास्ट, जिसकी वजह से क्या, ट्रैवलिंग जो है वो फास्ट होती है। अ मोटर बोट डिज़ाइन फॉर हाई स्पीड, किस लिए डिज़ाइन की गई है, हाई स्पीड के लिए। नाउ कम टू बॉर्डर्स, बॉर्डर्स का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप रेड लाइन, ठीक है, एक लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है, वो क्या है, सेपरेशन के लिए, ठीक है, वो बॉर्डर कंट्रीज का भी हो सकता है, ठीक है। अ बॉर्डर स्पेशली फॉर अ कंट्री और स्टेट, ठीक है, ये बॉर्डर जो है क्या बताता है कि अपनी, आपकी अपनी लिमिट्स बताता है कि ये आपकी लिमिट्स है, आपने इससे आउट नहीं जाना, बॉर्डर लाइन्स, ठीक है। अ लाइन सेपरेटिंग टू कंट्रीज, ठीक है, ये देख रहे हैं आप लाइन जो है वो हमारे पास बॉर्डर है, ठीक है, वो सेपरेट कर रही होती है कंट्रीज़ को, ठीक है, अपनी हमें अपनी लिमिट्स में रहना होता है, ठीक है, बॉर्डर लाइन कहते हैं ना, ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है, मीन्स बॉर्डर लाइन से हमने आगे नहीं जाना, तो वो क्या एक लाइन होती है कि जो हमें सेपरेट कर रही होती है, अलाइंस बिटवीन टू कंट्रीज़, वो टू कंट्रीज़ के बीच बिटवीन भी हो सकती है, ठीक है, और किसी एरिया के बिटवीन भी हो सकती है, ठीक है, बॉर्डर लाइन। पटिशन, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पटिशन, पटिशन क्या है, अ पटिशन इज़ अ रिक्वेस्ट टू डू समथिंग मोस्ट कॉमनली एड्रेस टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल और पब्लिक एंटिटी। अब क्या है कि पटिशन नॉर्मली मीन्स के रिक्वेस्ट है कि सबकी रजामंदगी से किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या किसी पब्लिक के लिए
कोई अपनी रिक्वेस्ट पेश करना, कोई काम करवाना हो तो उसके लिए पूरी एक पिटीशन बनती है, पूरी पूरा उस पर पूरा एक लिखा जाता है आपका जो भी मकसद हो, फिर उसके बाद सबके साइन होते हैं, उसको पिटीशन कहते हैं। आपकी कोई रिक्वेस्ट हो किसी से, किसी गवर्नमेंट से कोई काम करवाना, तो आपने उसके लिए पिटीशन लिखनी होती है। फिर लॉ, व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है, ठीक है, आर रूल ऑफ अ कंट्री डेट से व्हाट पीपल मे और मे नॉट डू, ठीक है। अब रूल से हमें क्या पता, लॉ क्या है कि हमने क्या काम करना है और क्या नहीं करना। द लॉ इज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। अब क्या है, लॉ आर बेस्ड ऑन आइडिया, अब किस चीज़ के आइडिया पे, अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग, क्या राइट और रॉन्ग है, अगर कुछ रॉन्ग है तो उस पर हम उस पर पनिशमेंट होती है, ठीक है, ये लॉ है। एस्टोनिश, एस्टोनिश का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टोनिश, एस्टोनिश मींस सरप्राइज और इम्प्रेस, किसी चीज़ से सरप्राइज और इम्प्रेस्ड होना, या एक उर्दू में कह सकते हैं कि हैरत में डाल देना, किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाना, किसी चीज़ को देख के हैरत में आ जाना, तो उसको कहते हैं एस्टोनिश, ठीक है। ये हमारे गेट रेडी वर्ड्स थे, ठीक है, जिनको अभी हमने, जिसको मैंने अभी, जिन वर्ड्स को मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। नाउ कम टू द असाइनमेंट्स, डू मेमोराइज गेट रेडी वर्ड्स फ्रॉम बुक पेज नंबर 176। आपने पेज नंबर 176 से इन गेट रेडी वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आज की हमारी क्लास यहीं पे ओवर होती है। आपने गेट रेडी वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना है, विद स्पेलिंग, इनकी डेफिनेशंस भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, स्पेलिंग के साथ इन वर्ड्स को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का जो हमारी वीडियो सेशन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।